आपको भी मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग हेयर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना, तो इससे आपके भी हेयर लॉन्ग भी हो जाएंगे, शाइनी भी हो जाएंगे, सिल्की भी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल में नए नए वीडियो आते रहते हैं हेयर के रिलेटेड, तो आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपके हेयर भी मेरे जैसे ऐसे सिल्की, स्मूथ, शाइनी, थिक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, जो भी चाहिए सभी इस चैनल में मिल जाने वाला है आपको। कोई हेयर एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हेयर के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ जानकारी मिलेंगी। तो लेट्स गो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज मैं लेके आई हूँ हेयर ऑयल की रेसिपी, जो कि हम घर पे बना सकते हैं और अपने ऐसे लंबे हेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग घर पे ऑयल कैसे बना सकते हैं। मैं हूँ अपेक्षा और आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने वीडियो में। तो मैं जिस ऑयल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस ऑयल की रेसिपी सबसे पहले आप देख लो, इसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट सभी वन बाय वन दिखाती हूँ कि इस ऑयल से आपको क्या क्या हेल्प होती है। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमें लेने हैं नीम के पत्ते, वो जो कड़वा वाला नीम आता है ना, इसका पत्ते। ये फ्रेश हो तो आपके पास फ्रेश लेना है। मैं कल लेके आई थी पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एक ही दिन में ऐसा हो गया है। फिर इसको अच्छे से वॉश करके एकदम ड्राई कर लेना है, क्योंकि बाहर से लेके आते हैं तो इसमें डस्ट वगैरह भी होती है, इसीलिए आपको अच्छे से वॉश करना है। इसके बाद हमें इसको एक बाउल में डाल के माप लेना है, ताकि हमें ऑयल लेने का पता चला कि हमें कितना ऑयल लेना है। देखो मेरा एक बाउल जितना नीम का पत्ता है, तो इसके हिसाब से हमें एक बाउल से थोड़ा कम कोकोनट ऑयल लेना है। कौन सा वाला ऑयल? कोकोनट ऑयल, या फिर आप अपने घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो ले सकते हो। फिर इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। आपको ऐसा लगे कि ड्राई हो रहा है और नहीं पीसा जा रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। इतना सा ग्राइंड हो जाए बस, इसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे। फिर इसके बाद ऐसा भारे वाला हम पैन लेंगे, जिसका नीचे का तलिया थोड़ा जड्डा हो ऐसा। फिर इसके अंदर हमने जो ग्राइंड किया है वो सभी और कोकोनट ऑयल वो सब डाल के हम पकाएंगे। इसके अंदर डालेंगे हमारा कोकोनट ऑयल। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके धीमी आंच पे अच्छे से हिला हिला के पकाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर तक पकाना है, तो पकाना इतनी देर तक है कि आपको पता चल ही जाएगा कि दोनों अच्छे से मिक्स हो गए। ये हमारा जो ऑयल है इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा, तभी हमें इसे बंद कर देना है। वैसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आँच पर अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वरना नीचे बैठ जाएगा तो ये आपका ऑयल कुछ काम का नहीं है। हमारे ऑयल का कलर देखो हल्का सा ग्रीनिश टाइप का हो गया है, बस इतना सा होएगा। आप मतलब मेरे थोड़े ड्राई हो गए थे ना लीव्स, इसलिए थोड़ा कम कलर आया। आपके लीव्स में थोड़ा सा जो ग्रीनिश टाइप का होगा, एकदम फ्रेश आपके नीम के पत्ते होंगे तो इससे भी अच्छा ग्रीन कलर आपका आएगा। अभी पता नहीं मेरे में यहाँ पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा आपको। मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने का, अभी मैं इसको छान लूँगी। देखो ये मैंने छान लिया, हमारे कोकोनट ऑयल का कलर देखो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का हो गया है। और हाँ, इसका बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट है, मैं सभी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको अभी घर पे ही मिलने वाले हैं अपने हेयर के लिए।
थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद मैं ऐसी छोटी वाली बॉटल में भर, छोटी वाली जो कंटेनर होते हैं इसमें भर लूँगी ताकि मेरे को जब भी यूज़ करना हो आसानी रहे। देखो बड़ी वाली छन्नी में थोड़े थोड़े नीचे ऐसे नीम के पत्ते जैसे दिख रहे हैं, तो फिर से हम छोटी वाली छन्नी लेके इसको छान लेंगे। आपको जितना चाहिए उतना कम ज़्यादा ऑयल बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है हमने जितने लीव्स लिए है उससे थोड़ा कम ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, आप अपने घर का कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। देखो इसका कलर कितना प्यारा है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो क्या देख ली क्या आपने रेसिपी हेयर ऑयल की, कैसी लगी आपको कमेंट कर देना। और हाँ, कोई बहुत मेहनत वाली रेसिपी नहीं है, आपको घर में सामग्री से घर की चीज़ों से मिल जाए ऐसी ही चीज़ है। बस आपको एक चाहिए कोकोनट ऑयल और नीम के पत्ते। नीम के पत्ते सभी को पता ही है कि बहुत ही ठंडक वाले होते हैं। नीम के पत्ते जो होते हैं वो हमारे सर को बहुत ही से ठंडक मिलती है। अभी गर्मियाँ चल रही है तो आप इस वाले ऑयल ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी ठंडक लगेगी कि आप सोच नहीं सकोगे। और हाँ, इससे आपको जो खुजली की प्रॉब्लम होती है ना वो तो जड़ से ही मिट जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि आपको थप्पा नहीं कर देने का है, हेयर के अंदर ऑयल का पूरा थप्पा नहीं कर देने का है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है इससे 2 घंटे पहले आपको इस ऑयल को लगाना है। मैंने ये ऑयल देखो लेके ही बैठी हूँ, और जब भी लगाओ तब थोड़ा सा गर्म करके लगाना ऑयल को। थोड़ा सा गर्म करके लगाने से आपके अंदर स्कैल्प में अंदर तक अपने ऑयल पहुँचता है। और जब भी हेयर में ऑयल लगाओ तब कभी भी नेल्स का यूज़ नहीं करना है, हमें हमारी फिंगर से ही ऑयल लगाना है। पता चल गया है ना सबको। तो इसके बाद आपको डैंड्रफ की जो जो प्रॉब्लम होगी वो भी जड़ से निकल जाएंगी। ये वाला ऑयल आप घर पे बना के यूज़ करोगे तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल निकल जाएंगी, आपको जो खुजली की प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगी, और आपके स्कैल्प में से जो हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके हेयर ग्रोथ स्टॉप हो गए, वो इस वाले ऑयल आप ट्राई करना। आपको इससे आपके हेयर ग्रोथ में अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। पर ये ऑयल है, दवाई तो है नहीं कि आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा कि हाँ मेरे हेयर ऐसे लॉन्ग होने लगे। आपको 2-3 महीने तक कंटिन्यू इसे ट्राई करना पड़ेगा। वीक में 1 से 2 बार आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसे इस तरह के ऑयल को वीक में 1 से 2 बार यूज़ करके 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा डैंड्रफ भी चला गया, मेरे को जो खुजली की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई, और मेरे हेयर ग्रोथ होने में मेरे को हेल्प हो रही है। आप बाज़ार से ऐसे महंगे वाले ऑयल लेके आऊँगी, इससे अच्छा है कि आप घर पे ही ऐसे बनाओ तो आपको पता भी चले कि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है। बस मैंने सिर्फ कोकोनट ऑयल लिया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसके अंदर नीम के पत्ते डाले, दूसरा कुछ नहीं किया है। और इसको कैसे लगाना है तो हमारी ऐसे पांठी जैसे सभी जगह पर ऐसे बना के आप कॉटन की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से, नेल्स की हेल्प से नहीं, फिंगर की हेल्प से लगा के अच्छे से इसको मालिश करना है। हेयर ऑयल कैसे करना है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। और हाँ, ऐसे हेयर के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे लॉन्ग हेयर की टिप्स के लिए, लॉन्ग हेयर कैसे करना है, अपने लॉन्ग हेयर को मेंटेन कैसे करना है, वो सब भी वीडियो मेरी चैनल में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना ताकि आप भी मेरी तरह ऐसे हेयर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, ये बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हो। जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बॉयज़ भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। वैसे हम घर पर एक जन बना के पूरी फैमिली वाले यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आपको ऐसे नए नए वीडियो कौन से चाहिए वो भी कमेंट कर देना, तो मैं सभी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, पर मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करते जाना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं देना है मेरे को, बस आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस ऑयल को यूज़ करना और मेरे जैसे अच्छे सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर करना। और हाँ, ये पार्लर जैसे सिल्की हेयर कैसे घर पर कर सकते हैं इसका भी मैंने जेल का भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी देख लेना। हेयर के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे लॉन्ग वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, तो आप ज़रूर से देखना। और आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर से कमेंट करना।
फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना, आपकी प्यारी अपेक्षा का। बाय।